हेलो फ्रेंड्स, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज फॉर एस चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पे जाके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए और बेल आइकन पे क्लिक करना और भूलिए। बेल आइकन पे जाके आपको ऑल पे क्लिक करना है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे कंप्यूटर से टेम्प्रेरी फाइल जो है वो डिलीट कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल स्टेप है, स्टेप कुछ इस तरीके से है, सिंपल है। कैसे हम डिलीट कर सकते हैं, पहला स्टेप आएगा विंडो की प्लस आर, मतलब विंडो रन, या फिर सर्च बॉक्स में जाके रन टाइप भी कर सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं। दूसरा स्टेप रहेगा जो रन बटन, रन बॉक्स ओपन होगा उसमें हमें परसेंट, एम परसेंट का सिंबल, टेम्प फिर परसेंट, ये सिंबल लगा के हमें नेक्स्ट स्टेप पे हमें उस पर ओके बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। ओके बटन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक फाइल खुल जाएगी, उसमें काफ़ी सारी फाइलें होती हैं, तो उन सभी फाइलों में कुछ हिडन फाइल भी हो सकती है। उन हिडन फाइलों को देखने के लिए हमें रिबन में व्यू मेन्यू होता है, ऊपर व्यू लिखा होगा, उस पर व्यू पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो उसमें हिडन आइटम नाम से एक चेक बॉक्स होगा, उसे हम जैसे हम चेक कर देंगे तो ऑल सभी जो हिडन फाइलें हैं वो हमें दिखाई देने लग जाएगी। फिर हमें क्या करना है कि जो भी फाइलें है उन सभी को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो सेलेक्ट करने के लिए हमें कंट्रोल ए की प्रेस करनी पड़ेगी या फिर हम माउस की सहायता भी सबको सेलेक्ट कर सकते हैं। सबको सेलेक्ट करने के बाद में हमें उन सभी फाइलों को डिलीट करना है, चाहे तो डिलीट बटन कर दीजिए, चाहे शिफ्ट के साथ डिलीट बटन कर दीजिए, या फिर राइट क्लिक करके डिलीट बटन पे क्लिक कर दीजिए, वो हमें सभी फाइलें डिलीट करनी है। अगर कुछ फाइलें जो डिलीट नहीं होती है और लास्ट में वो एरर मैसेज शो करती है दिस फाइल कांट बी डिलीटेड, तो हमें उन्हें स्किप करना पड़ेगा। तो वो अगर क्योंकि वो फाइल डिलीट नहीं हो सकती तो उन्हें स्किप करना पड़ेगा, तो जैसी है वो वैसी रहेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही था, फिर मैं तो इसको हम प्रैक्टिकली करके भी देख लेते हैं। जैसे ये विंडो की होता है, ठीक है, इसके साथ में मैं विंडो जैसे पहले रन करके देख लेते हैं, आर यू एन रन पे हम एंटर करेंगे तो ये रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, या फिर हम विंडो आर क्लिक करेंगे तब तो भी ये ओपन हो जाएगा। फिर हमें टाइप करना है परसेंट टैप TEMP परसेंट, फिर ओके बटन पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, इसमें खूब सारी फाइलें हैं जो टेम्प्रेरी फाइलें बनी हुई है। इसके अलावा भी कुछ हिडन फाइलें हैं, उनको देखने के लिए व्यू पे जाएंगे। व्यू में ये देखिए, ये हिडन आइटम, हिडन आइटम इनको हमें चेक करना है। जैसे अनचेक कर दिया था अभी मैंने, वापस चेक करेंगे, चेक करेंगे तो ये हिडन फाइलें भी शो होने लगेंगी। फिर हमें कंट्रोल ए की प्रेस करनी है, फिर डिलीट करने हैं, शिफ्ट डिलीट कर दीजिए या फिर राइट क्लिक करके डिलीट कर दिए। 80 आइटम ये दिखा रहा है कि डिलीटेड है, परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ यस करना चाहता हूँ, ये डिलीट हो रहा है। अब ये कुछ आ रहा है, डू दिस फाइल आल करंट आइटम, ये कुछ फाइलें जो डिलीट नहीं हो रही है तो इसको हम स्किप कर देते हैं, तो ये फाइलें स्किप हो जाएगी और बाकी की जो भी फाइलें थी वो सब डिलीट हो गई है। तो टेम्प्रेरी फाइलें ऐसे डिलीट की जाती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि हम कंप्यूटर से जो हमारी टेम्प्रेरी फाइलें बनती है उन्हें हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कीजिए। आज की वीडियो इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।